संभल की गुन्नौर तहसील में एंटी करप्शन टीम ने जमीन की पैमाइश कराने के एवज में 10,000 रुपए की घूस लेते कानून गो को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन की टीम आरोपी कानून गो को लेकर गुन्नौर कोतवाली पहुंची, जहां उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई से पूरी तहसील में खलबली मची रही। दरअसल जुनावई थाना क्षेत्र में रैंदा गांव निवासी राधेश्याम ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दी थी कि उसकी मां किरण देवी के नाम के 5 गांठों की पैमाइश होनी है। क्षेत्रीय कानून गो से कई बार जमीन की पैमाइश के लिए कहा, लेकिन नहीं की। आरोप लगाया कि कानून गो ने पैमाइश से पहले रिश्वत की मांग की है, साथ ही कहा कि जब रुपए मिलेंगे तभी जमीन की नपाई की जाएगी। एंटी करप्शन टीम ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद लखनऊ से अधिकारियों की टीम गठित हुई। बुधवार को एंटी करप्शन टीम प्रभारी विजय कुमार की अगुवाई में अधिकारियों ने गुन्नौर तहसील में दस्तक दी। अधिकारी इधर उधर हो गए। जैसे ही पीड़ित राधेश्याम ने साइकिल स्टैंड के पास कानून को शिवदयाल को 10,000 रुपए की रिश्वत दी, वैसे ही वहां सक्रिय एंटी करप्शन टीम ने कानून गो को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी कानून गो को लेकर कोतवाली गुन्नौर पहुंची, जहां जरूरी प्रक्रिया के बाद कानून गो के खिलाफ भ्रष्टाचार की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। एंटी करप्शन टीम द्वारा रिश्वत लेते कानून गो को दबोच लिए जाने से सरकारी महकमों में खलबली मच गई। वहीं इस कार्रवाई को लेकर एंटी करप्शन टीम प्रभारी विजय कुमार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर सरकारी विभाग में किसी व्यक्ति से जायज काम के लिए अगर कोई घूस मांगता है तो तुरंत उनसे शिकायत करनी चाहिए। आज काफी दिन से मेरा जमीन का वो चल रहा है, नाप के नहीं है। तो नाप के लिए एडीएम साहब ने बोला कि आप ठियाबंदी डाल दो, ऐसे आपकी नाप नहीं होगी। हमने ठियाबंदी ऑनलाइन करा दी। ऑनलाइन कराने के बाद एडीएम साहब के पोर्टल पहुंची, फिर तहसीलदार साहब के पोर्टल पहुंची, वो घूम फिर के कानून साहब पर पहुंची। पहुँचने के बाद मैंने कानून साहब से कही, कानून साहब कब डेट लगा रहे हो उसकी ठियाबंदी हमारी कब नाप होगी? तो कहे ऐसी नहीं नपेगी, खर्चा करना पड़ेगा। मेरे साहब कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो कहे कच्ची नपो आओगे तो 75,000 रुपये। 5 लंबर है साहब हमारे, 5 लंबर के हिसाब से 15,000 रुपया लंबर, 75,000 रुपये उन्होंने कच्ची के मांगे। मैं कि साहब पक्की ठिया लगावे तो कह साहब 1,25,000 रुपये दोनों कच्ची पक्की के 1,25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें। मैं कि पुलिस को आदेश तुम ही कराओगे कि पुलिस की तू या नहीं बनी? 1,25,000 के बाद भी पुलिस का ही मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मजबूरी में मैं शिकायत करके मैंने ये आज ये 10,000 रुपये दे करके रंगे हाथ मैंने ये आज पकड़वाए गिन्नौर तहसील पर तैनात थे। अच्छा, टीम के द्वारा पकड़ा गया, एंटी करप्शन टीम? हाँ, एंटी करप्शन टीम ने साहब पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। हाँ, गिरफ्तार कर लिया, गिन्नौर कोतवाली में मौजूद हैं। यहाँ रैंदा गांव के राधेश्याम हैं, इनकी माताजी हैं किरण देवी, उनके नाम 5 गांठा संख्या है। उसकी नाप के लिए इन्होंने कई बार एप्लीकेशन दी, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी। तो जब ये कानून को शिवदयाल से जाके मिले तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे 10,000 रुपये दो, उसके बाद मैं बताऊंगा, नाप शुरू करूंगा। तो आज ये हमारे पास जो है कल आए थे, तो हमारे द्वारा लखनऊ से टीम गठित कराई गई, और टीम गठित करने के बाद आज हमने डीएम साहब के यहाँ से 2 विटनेस लिए, और विटनेस लेके जब हम आए तो शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये कानून गो साहब को कुन्नूर तहसील में साइकिल एक्सचेंज के पास दिए, तो हमने उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करा दी गई है? कार्रवाई चल रही है, गुन्नौर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत में कराऊंगा। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि ये एंटी करप्शन का जो मेरा मोबाइल नंबर है 94-54-1947, तो इस आपके चैनल के माध्यम से सबको ये सूचित हो जाए कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जायज़ काम के अगर पैसे मांगता है तो हमारे यहाँ आके शिकायत करें, हम कार्रवाई करें।